students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem. आज हम surface chemistry के chapter में से कुछ selected topics के ऊपर बात करेंगे and that is coagulation और flocculation. इसी से continue करेंगे हम Hardy-Schultz rule. Then, what is the meaning of protection of colloids? Right. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएगुलेशन, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेशन. ओके, आप सभी को पता है जितनी भी हमारे पास कोलाइडल सोल्स हैं दे आर चार्ज्ड. तो कोलाइडल सोल्स, दीज आर कोलाइडल सोल्स, they may be positively charged or negatively charged, right? Negatively charged, for example, As2S3, it is negative sole, and FeOH thrice, it is positive sole, right? So, ये negative charge और ये positive charge. क्योंकि इनके ऊपर charge होता है, every colloidal particle is having charge. सिमिलर चार्ज पर्टिकुलर कोलाइड के अंदर हर मॉलिक्यूल के ऊपर सेम चार्ज होगा. आपने पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. तो प्रेसिपिटेट, यहां हमारे पास प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट से हमने कोलाइडल पार्टिकल्स बना दिए, है ना, ऐसे किया था ना. और अगर मैं इसकी बात करूं पॉजिटिव सोल की, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर. इसमें होगा तो दे विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ये प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर. इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर ये चार्ज हट जाए, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, ये जो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड थे किसी तरीके से इनके ऊपर से चार्ज हट गया, व्हाट विल हैपन, दे विल मूव क्लोजर. नाउ दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, दे विल मूव क्लोजर एंड अल्टीमेटली दे विल सेटल एज प्रेसिपिटेट. चार्ज आया था तो पूरे के पूरे जो हमने डिस्पर्शन मीडियम लिया था ये उसके अंदर डिस्पर्स हो गए. लेकिन अगर इनका चार्ज हटा दिया जाता है, देन व्हाट विल हैपन, दे विल सेटल एज प्रेसिपिटेट. अनचार्ज्ड हो गए ना तो रिपेल नहीं करेंगे. तो जितनी भी लायोफोबिक सोल्स हैं, लाइक सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मैक्सिमम मेटल की जो हमारे पास सोल्स रहती हैं, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल. आपको पता है लायोफोबिक के लिए हम स्टेबलाइजर डालते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. अब अगर ये पॉजिटिव सोल है तो इसके अंदर मैंने डाला बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा, बेरियम 2 पॉजिटिव, 2 सीएल नेगेटिव. तो 2 सीएल नेगेटिव आयंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे. और सेम अगर मैं बेरियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड कर रही हूं, इट विल फॉर्म बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 सीएल नेगेटिव. अब क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेरियम 2 पॉजिटिव. दिस इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन, मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन को वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना वाय द एडिशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट. और वो इलेक्ट्रोलाइट अब कम नहीं पड़ेगा, पेप्टाइजेशन में हम कैलकुलेटेड अमाउंट डालते थे ना, ज्यादा नहीं डालते थे, लेकिन इसके अंदर कोएगुलेशन के लिए वी हैव टू एड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो दैट हर चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. न्यूट्रल था प्रेसिपिटेट तो चार्ज बनाकर उसको डिस्पर्स कर दिया, स्टेबल सोल बन गई. अब अगर वो चार्ज हटा दिया जाता है, इट विल सेटल एज प्रेसिपिटेट. एग्जैक्टली, तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूं. तो अगर मुझे कोएगुलेशन को डेफिनेशन के तौर पे लिखना हो तो व्हाट आई विल राइट, इट इज द फिनोमिना ऑफ, इट इज the phenomena of precipitation. हम
कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बना रहे हैं. प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. राइट, एवरी टाइम we are adding an electrolyte, excess of electrolyte, so that positive or negatively charged जो soul है it get precipitated. Soul के particles dispersed medium के अंदर आराम से settle हो जाए. Right, तो this is phenomena of precipitation of a colloidal solution by the addition of excess of electrolyte. Okay, अब अगर मेरे पास positive soul है, राइट, मैंने पहले एग्जांपल लिया ना आपके पास, मेरे पास अगर पॉजिटिव सोल है और नेगेटिव सोल है तो किस तरीके से कोगुलेशन होगी, लेट्स फाइंड दैट. ये रही पॉजिटिव सोल, और पॉजिटिव सोल का बेस्ट एग्जांपल आई एम हैविंग फेरिक हाइड्रोक्साइड. आई एम हैविंग नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल लेट इट बी आर्सेनिक सल्फाइड. राइट, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. ये सोल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना रही हूं कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. जस्ट रिमेंबर और रीवॉच द वीडियो ऑफ पेप्टाइजेशन. इधर हमारे पास नेगेटिव सोल, ये सोल का पार्टिकल, और इसके बाहर देयर इज एडसॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड आयन, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो इसके बाहर लेयर है नेगेटिव की. अब मैं दोनों के लिए ना कॉमन यूज करने लगी हूं एक ही इलेक्ट्रोलाइट, लेट इट बी बेरियम क्लोराइड. मैंने यही एग्जांपल लिया पहले, तो बेरियम क्लोराइड टूटा, बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव में. अब यहां पे हम पेप्टाइजेशन की तरह सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन नहीं करेंगे, इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, एक केटाइन और एक anion. Just consider it as cation and anion which come together and neutralize each other's charge. दोनों के ऊपर charge है, दोनों मिलेंगे तो positive negative neutralize हो जाएगा. तो इसके ऊपर positive है तो positive की तरफ कौन आएगा, quite obvious chloride. Right, तो ये जो positive soul है ये combine करेगी Cl negative के साथ and will get precipitate. इधर है नेगेटिव चार्ज, इधर कौन जाएगा, एग्जैक्टली बेरियम 2 पॉजिटिव, और यहां पे हमारे पास आ गई नेगेटिव सोल प्लस बेरियम 2 पॉजिटिव. अब ये रहा एनायन, ये रहा केटायन, राइट, तो ये बन गया प्रेसिपिटेट. ये है पॉजिटिव सोल, ये नेगेटिव सोल, दिस इज एनायन, दिस इज केटायन, एंड दे गेट precipitated. बेरियम क्लोराइड की जगह पे आप यूज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, KBr, सोडियम सल्फेट, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिए. बस एक चीज का ध्यान रखना है दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग मीन्स ये कंप्लीटली डिसोसिएट करना चाहिए, तभी कोगुलेशन जो है वो बेस्ट होगी. राइट, तो इस तरीके से पॉजिटिव सोल के लिए जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसका एनायन चला जाता है, और नेगेटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका केटायन चला जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट. अब ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट का केटायन और एनायन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कोगुलेशन के अंदर, मीन्स दीज बोथ आर एक्टिव आयन्स, बोथ आर एक्टिव आयन्स. फर्क क्या है, नेगेटिव सोल के लिए केटाइन इज एक्टिव आयन एंड पॉजिटिव सोल के लिए एनायन इज एक्टिव आयन. राइट, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. अ पर्टिकुलर आयन विच कॉजेज द कोगुलेशन, विच कैन कॉज द कोगुलेशन ऑफ अ गिवन सोल इज कॉल्ड एक्टिव आयन. तो अगर पॉजिटिव सोल है तो उसके लिए कोई भी एनायन हो इट विल सॉल्व द पर्पस ऑफ कोगुलेशन, इट विल बी कॉल्ड एक्टिव आयन.
और नेगेटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? हमेशा केटायन। कौन सा आयन ज्यादा कोगुलेशन करवाएगा? लेट फाइंड दैट। अब मैं इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करूंगी। मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव सोल के दो एग्जांपल्स लिखे हैं। ओके, चलिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया केसीएल, राइट? तो के पॉजिटिव जाएगा इधर, सीएल नेगेटिव आएगा इधर, राइट? तो इधर गया के पॉजिटिव और इधर आया सीएल नेगेटिव। मींस जब हम केसीएल यूज कर रहे हैं, एक सीएल नेगेटिव कितने पोलाइटल पार्टिकल्स को यूज करेगा? वन। इट विल गेट अटैच टू ओनली वन मॉलिक्यूल। और ये भी केटाइन के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स को लेगा? वन मॉलिक्यूल। तो रेशियो आई 1:1, इधर भी और उधर भी, एक के साथ एक। ओके, और देखते हैं, मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम तो जाएगा इधर, बेरियम टू पॉजिटिव, क्लोराइड आएगा इधर सीएल नेगेटिव। अब मैं दो नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ एक्टिव आयन की बात करनी है। तो ये कितने केटाइन के मॉलिक्यूल्स को लेगा? वन। इट विल कंबाइन विद वन, लेकिन बेरियम क्लोराइड के ऊपर है टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा? एक, दो, एक और दो। लेकिन ये किसके साथ करेगा? सिर्फ एक के साथ। तो आप मेरे को बताइए, अगर किसी सोल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेरियम कितने लगेंगे? अगर टोटल 10 है ये, तो बेरियम लगेंगे 5। लेकिन अगर ये 10 है तो क्लोराइड कितने लगेंगे? 10। हम आयन की बात कर रहे हैं, हमेशा ये मत लेना कि बेरियम क्लोराइड ही यूज करेंगे, केटाइन और एनायन की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट इट बी AlCl3। तो इधर कौन गया? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इधर अगेन Cl1 नेगेटिव, रेशो 1:1। तो क्लोराइड आयन की, Cl नेगेटिव आयन की जो कोगुलेटिंग पावर है वो है एक आयन के साथ कंबाइन करने की। तो कितने के साथ करेगा? वन केटाइन। सोल कोई भी हो, वन केटाइन। लेकिन बेरियम ने कितनों के साथ कंबाइन किया? टू एनाइन, वो दो के साथ जुड़ा। अब एल्यूमिनियम कितनों के साथ कंबाइन कर सकता है? थ्री पॉजिटिव चार्ज, 1, 2, 3। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इट कैन कंबाइन विद 3 एनाइन्स टू कॉज द कोगुलेशन। तो आप अगर हम सिर्फ केटाइन्स की बात करें, के पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव कंबाइन करेगा 1 एनाइन के साथ। अभी हम सिर्फ केटाइन की बात करते हैं, के पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, बेरियम पॉजिटिव दो के साथ जुड़ेगा, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने के साथ जुड़ेगा? 3 के साथ। तो सबसे जल्दी कोगुलेशन कौन करेगा? लेट इट बी, देयर आर 30 मॉलिक्यूल्स, टोटल 30। ये अकेला तो 30 मॉलिक्यूल लगेंगे, ये डबल है तो 15 लगेंगे, इसका 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ओनली 10 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं, दे कैन कॉज कोगुलेशन। तो फास्ट कौन करेगा फिर? क्वाइट ऑब्वियस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, राइट? ये तो होगी केटाइन की बात। ओके, अब जरा एनायन का देखते हैं। चलिए फर्स्ट केस में मैंने ले लिया केसीएल, अब मुझे सिर्फ इधर का देखना है, इधर की मैं बात नहीं करूंगी। तो इधर आया सीएल नेगेटिव, 1। फिर मैंने लिया सोडियम सल्फेट, इधर आया SO4 2 नेगेटिव, कितनों से कंबाइन करेगा? एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, सल्फेट है ना, 2 नेगेटिव चार्ज, इट विल कंबाइन विद 2 केटाइन्स, राइट? नाउ लेट अस हैव K3PO4, दिस इज फॉस्फेट, राइट? तो इधर कौन आया? PO4 3 नेगेटिव, तो ये कितनों के साथ कंबाइन करेगा? 3 के साथ। राइट, मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, लेट इट बी K4 FeCN6, राइट? ये जब टूटेगा तो इधर कौन आएगा? FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, राइट?
इसके ऊपर माइनस वन प्लस टू प्लस वन, टोटल फोर, टू नेट चार्ज माइनस फोर। इसके ऊपर है टू पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर माइनस वन। अब देखो यहां फोर नेगेटिव, कितनों के साथ कंबाइन करेगा, एक दो तीन चार। तो आप चाहे केटाइन को कंसीडर करें, आप चाहे एनायन को कंसीडर करें। तो अब अगर मैं सिर्फ केटाइन्स की बात कर रही हूं, तो आई एम हैविंग क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फेरोसायनाइट, फोर नेगेटिव। ये कंबाइन करेगा वन के साथ, ये कंबाइन करेगा टू के साथ, ये कंबाइन करेगा थ्री के साथ, और ये कंबाइन करेगा फोर के साथ। तो अकेला आयन चार कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करेगा, तो एज कंपेयर टू वन मॉलिक्यूल, इट मींस सबसे जल्दी कोगुलेशन कौन करवाएगा, FeCN6, नेट चार्ज फोर नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास आता है हार्डी स्कल्स रूल। हार्डी स्कल्स रूल क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी आयन की कोगुलेशन और फ्लक्यूलेशन डिपेंड करती है ऑन चार्ज ऑफ एक्टिव आयन। कौन सा आयन कोगुलेशन करवाएगा, विच इज हैविंग ऑपोजिट चार्ज दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर कोलाइडल सोल पॉजिटिव है तो हमें एनायन चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसके अंदर कौन वर्क, उसमें एक्टिव आयन कौन होगा, केटाइन। क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रोलाइट के सिर्फ केटाइन अंदर भेजे, दोनों ही जाएंगे, लेकिन जो उसमें कोगुलेशन करवाएगा दैट विल बिकम एक्टिव आयन, राइट। तो व्हाट हार्डी स्कल्स रूल स्टेट्स, हार्डी स्कल्स रूल, राइट, इसकी स्टेटमेंट है दैट द आयन्स कैरिंग द चार्ज opposite to collidal soul, जो collidal soul के ऊपर चार्ज है उससे उल्टा, collidal soul, और मैं यहां लिखू collidal particles are capable of causing coagulation और flocculation। तो इसका पहला पॉइंट है that the ions carrying charge opposite to collidal particles are capable of causing coagulation or flocculation, right? Second, the coagulation power of कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, द कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करने वाले हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आयन्स होंगे उनमें से जो कोगुलेशन करवाएगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव आयन्स। ग्रेटर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक्टिव आयन के ऊपर, ग्रेटर the valency of oppositely charged, greater the valency of oppositely charged ions of the electrolyte, more will be its Q
कैलकुलेटिंग पावर। जितना ज्यादा उसके ऊपर, जितनी ज्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा, आप इसको नंबर थ्री भी ले सकते हैं, आप इसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स की, इलेक्ट्रोलाइट में से जो आएंगे, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड मोर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ नेगेटिव सोल लाइक As2S3, नेगेटिव सोल के लिए हमारे पास ये रहे आयंस, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर क्या रहेगी, कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। यहां आप कैल्शियम ले लो और बेरियम ले लो, जो भी, आपने सिर्फ चार्ज देखना है, ठीक है। चलो मैंने बेरियम का एग्जांपल लिया था, तो लेट मी हैव बेरियम 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव, आपको सिर्फ, सॉरी, K पॉजिटिव, आपको सिर्फ चार्ज देखना है, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। एंड फॉर सिमिलरली फॉर नेगेटिव सोल, पॉजिटिव सोल लाइक FeOH3, तो पॉजिटिव के लिए एक्टिव आयन कौन होगा, एनायन, तो उसमें आ गया सबसे ज्यादा FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, इट विल बी हैविंग ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर एज कंपेयर टू फॉस्फेट आयन, एज कंपेयर टू लेट इट बी कार्बोनेट और सल्फेट, सल्फेट आयन, और उससे भी ज्यादा बाद में कौन आएगा, Cl नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा किसकी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड मोर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो दिस इज हार्डी-शकल्स रूल। तो आप कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स की कोगुलेटिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं, राइट तो ये लाभ को समझ में आ गया होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन करवा सकता है जिसके अंदर एक्टिव आयन हो, जिस जो दैट विल बी हैविंग ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, राइट, आयन्स कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कोगुलेशन। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल के लिए, ओके, फॉर पॉजिटिव सोल, और इधर ही मैं ले लूंगी फॉर नेगेटिव सोल, एक छोटा सा टेबल हम लोग यहां पे बना लेते हैं। मैंने लिया पॉजिटिव सोल का एग्जांपल FeOH3, ओके, इलेक्ट्रोलाइट मैं यूज कर रही हूं KBr देन KCl, KCl के बाद आई एम हैविंग KNO3 देन K2SO4 and then I'm having sodium oxalate Na2C2O4 and then I'm having K3FeCN6, okay, अब इसमें से ये तो रहा इलेक्ट्रोलाइट, okay, अब एक्टिव आयन कौन है, एक्टिव आयन इसमें रहा Br negative, Cl negative, NO3 negative, SO42 negative, C2O42 negative oxalate ion and FeCN6 net charge it is having 3 negative K3FeCN6, ठीक है, तो यहां पे 3 पॉजिटिव निकल गया, 3 लगे हैं ना, यहां आयरन के ऊपर दिया इसने 3 पॉजिटिव चार्ज, ओके, अब देखो इनकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू, तो Br नेगेटिव की वैल्यू है मेरे पास, ये हम मिली मोल्स में लेते हैं, मिली मोल्स में, नॉट इन मिलीग्राम्स, इट इज टेकन इन मिली मोल्स, तो वैल्यूज आर 138.103 मिली मोल्स, नाइट्रेट के लिए है 131, सल्फेट के लिए है 0.210 एंड ऑक्सलेट के लिए है 0.238 एंड फेरिक साइनाइड के लिए है 0.096।
अब आप मेरे को बताइए, इसमें से सबसे ज्यादा पावर किसकी है? फाइंड आउट, कॉगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? यस, आप चार्ज देखेंगे, 3 नेगेटिव चार्ज, और आपको वैल्यू भी बता रही है, सबसे स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट, कितने मिली मोल्स लगे? 0.096। तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, दिस इज फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, कि आप इतना सा यूज करेंगे तो 1 लीटर, 1 मोल कोलाइडल सॉल्यूशन को आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, राइट? आप इसको अब स्टैंडर्डाइज करने वाले हो, राइट? तो अगर आप ये कहें व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, तो आप लिखेंगे द मिनिमम कंसेंट्रेशन, द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, राइट? मिलीमोल्स के अंदर हमें मिनिमम कंसेंट्रेशन चाहिए इन मिलीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज, अब हमें कोगुलेशन करनी है, लेट इट बी स्टैंडर्डाइज, कॉज द कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अब ये सारे का सारा हमने पॉजिटिव सोल कितनी ली? 1 लीटर। 1 लीटर के लिए KBR यूज हुआ 138 मिलीमोल्स और FeCN6 K3 FeCN6 यूज हुआ 0.096, और अगर यहां 4 नेगेटिव होता तो वैल्यू इससे भी कम आते, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितना कम अमाउंट कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा, दैट इज कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्स में जा रही हैं। कोगुलेटिंग पावर किसके इनवर्स में जा रही है? कोगुलेटिंग वैल्यू, मतलब कोगुलेटिंग वैल्यू कम तो कोगुलेशन पावर ज्यादा, कोगुलेशन पावर और फ्लक्चुएशन पावर, तो जितनी कम क्वांटिटी उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ओके, अगर आप इसमें से कोई 2 आयन्स की वैल्यू को कंपेयर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सोल, लेट इट बी As2S3, राइट? तो इधर भी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, देन उसमें से आएगा एक्टिव आयन, और फिर क्या आएगी? उसकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अब नेगेटिव सोल के लिए जो हमने यहां पे एग्जांपल्स लेनी है, अगेन लेट इट बी NaCl, NaCl, देन KCl, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, वी आर हैविंग बेरियम क्लोराइड, देन जिंक क्लोराइड एंड AlCl3। एक्टिव आयन NaCl में से, क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो यहां पे आया सोडियम, KCl में क्या आया? पोटेशियम, मैग्नीशियम में क्या आया? Mg2+, बेरियम से क्या आया? Barium2+, जिंक से क्या आया? Zinc2+, AlCl3 से क्या आया? Aluminium3+, और अगर आप इनकी वैल्यूज देखें, दैट इज 51,
50, then for magnesium it is 0.72, 0.69, for zinc it is 0.68, and for aluminium it is 0.093. अगेन आप देख लीजिए, इसका चार्ज था 3 नेगेटिव, सबसे कम वैल्यू। सिमिलरली नेगेटिव सोल के लिए भी जिसका चार्ज सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में लगेगा। जितनी कम क्वांटिटी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। तो आप इनमें से किन्हीं दो को कंपेयर कीजिए, लेट इट बी सोडियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। मैं इन दोनों का एग्जाम्पल ले लेती हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, इस डेफिनेशन को अब मैं हटा देती हूं, नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारे पास आया कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। अब मुझे NaCl और एल्युमिनियम क्लोराइड को कंपेयर करना है। कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 विथ कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl किसके बराबर होगी? कोगुलेशन वैल्यू ऑफ, ऊपर कौन आएगा? NaCl, क्यों? क्योंकि इनवर्स में है, तो ऊपर आया NaCl। नीचे रही हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3, क्योंकि आप देखिए ये इनवर्स में है, वैल्यू जितनी कम कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। तो हमारे पास है NaCl अपॉन AlCl3, वैल्यू देखो जरा, NaCl की कितनी है 51 और AlCl3 की 0.093। हम इसको लिखेंगे 51 अपॉन 93 इंटू ऊपर चली गई 1, 2, 3, 10^3। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यू विल गेट 548। तो AlCl3 की कोगुलेटिंग पावर इज 548 टाइम्स मोर देन सोडियम क्लोराइड, राइट? तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज 548 टाइम्स मोर देन कोगुलेटिंग पावर ऑफ Na पॉजिटिव। अब देखो इन तीनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन दोनों के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, तो 51 एंड 50। तीनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 0.68, 0.69, 0.72। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये? वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि यहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। वी हैव सिंपली ओनली वन वर्क टू डू, दैट टू डिमिनिश द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद आप देख सकते हैं, अब हार्डी स्कल्स रूल ने आपके पास एक कंपैरेटिव वैल्यूज दे दी। आप इसी तरीके से KBr और सोडियम ऑक्सलेट को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे वही मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे, यू हैव टू कंपेयर कोगुलेटिंग वैल्यू या पावर, कोगुलेटिंग पावर ऑफ KBr एंड Na2C2O4 फर्स्ट कॉम्बिनेशन, देन K2SO4 एंड K3FeCN6। मुझे आपने इन दोनों की कोगुलेटिंग पावर का क्या आपस में रिलेशन है, ज्यादा आता है कम आता है, मुझे आपने नोट्स में लिख के भेजना है, राइट? तो ये था प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। हमने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को यूज किया टू कोगुलेट वेरियस कोलाइडल सोल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज। पॉजिटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? एनायन। और नेगेटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? केटायन, राइट? अब देखिए, ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, ओके? जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, ओके? राइट, दिस इज नॉट द ओनली वन मेथड,
कि आपको ये लगे दिस इज द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन. नो, कुछ और तरीके भी हैं जिससे आप कोलाइडल सोल के चार्ज को हटा सकते हैं. देयर आर मेथड्स, लेट डिस्कस देम. अदर मेथड्स, अदर प्रोसेसेस ऑफ कोएगुलेशन, और किस तरीके से आप कर सकते हैं. फर्स्ट, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन. क्या होगा ये? क्यों ना हम दो ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स को मिक्स कर दें? बेस्ट वे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट? तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन इट कैन बी डन बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स. आप दो ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स को मिक्स कर दें. बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स दे गेट न्यूट्रलाइज्ड. दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. दे गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड प्रेसिपिटेटेड, राइट? प्रेसिपिटेटेड. ओके, एक और तरीका है, इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें भी तो हम यही करते थे. हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, नेगेटिव सोल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी और नेगेटिव सोल पॉजिटिव पे और पॉजिटिव सोल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है. दिस इज ऑल्सो फ्लोक्यूलेशन और कोगुलेशन. तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो जो पॉजिटिव सोल है, राइट, डिपॉजिट्स एज प्रेसिपिटेट ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव सोल डिपॉजिट्स ऑन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. अगेन देयर इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. वन मोर, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. हम लोग कोलाइडल सोल को बनाने के लिए क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, सोल बन गई. फिर हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, वाटर ऐड किए जा रहे हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इलेक्ट्रोलाइट के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स निकलते जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वो एज इंप्योरिटी प्रेजेंट है. हमने डायलिसिस बहुत लंबे टाइम तक की, इतने ज्यादा डायलिसिस की कि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स बाहर चले गए. अब क्या होगा? रिपीटेड डायलिसिस, बार 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 हम उसको डायलाइज करे जा रहे हैं, वाटर फेंके जा रहे हैं, अल्टीमेटली सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट चले जाएंगे. कोलाइडल पार्टिकल्स दे विल बिकम फ्री ऑफ चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेट, राइट? बाय परसिस्टेंट डायलिसिस ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट आयंस, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट आयंस आर रिमूव्ड एंड कोलाइडल पार्टिकल्स बिकम फ्री ऑफ चार्ज. अब उनके ऊपर चार्ज नहीं रहा, फ्री ऑफ चार्ज एंड गेट क्लोजर एंड प्रेसिपिटेटेड. सो सिंपल, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. क्लियर? ये हो गए तीन मेथड्स. बाय हीटिंग, आप कोलाइडल सोल को गर्म करे जा रहे हो. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन उनके ऊपर, क्योंकि अगर वो नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव जो आयंस हैं दे आर सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है. टेम्परेचर बढ़ाने पर दे विल गेट डिटैच, वो एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्ब हो जाएंगे. तो क्या होगा? चार्ज चला गया, प्रेसिपिटेट आपस में जुड़ेंगे, पार्टिकल्स जुड़ेंगे एंड दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड. चाहे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है फिर भी हीट करने से क्या होगा? दे विल ऑल्सो डिटैच, मॉलिक्यूल हो जाएगा न्यूट्रल एंड विल सेटल डाउन. क्लियर? ये तो हीटिंग से हुआ. आप देखो, अगर आप कूलिंग कर देते हो, कूलिंग से भी
कोबुलेशन हो जाती है. द बेस्ट एग्जाम्पल, आप मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन. मिल्क को आप हीट करें, मलाई आ गई, होगी कोगुलेशन. मिल्क को आप ठंडा करें तब भी उसके अंदर के फैट पार्टिकल्स ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं. ओके, आप बटर को गर्म कीजिए, झाग झाग बनती है ना, इट गेट्स कोगुलेटेड और घी बन जाता है, फैट अलग हो जाती है और थोड़े थोड़े वो ऐसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा मटेरियल कंटेनर के नीचे बैठ जाता है. दो चीजें आती है ना आपके पास, एक लिक्विड और एक नीचे सेमी सॉलिड सा मटेरियल रह जाता है, राइट. तो कोगुलेशन ऑफ बटर. इसी तरीके से ये तो हीटिंग का था ना, कि दूध को गर्म किया तो मलाई आ गई, मलाई से मक्खन बना लिया, मक्खन से जब आप घी बनाने लगे, अगेन देयर इज कोगुलेशन ऑफ बटर टू गेट घी, और दोनों चीजें अलग हो जाती हैं. तो वो जो मक्खन का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, शुरू शुरू में बिल्कुल व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरफ उसमें तैर रहे होते हैं शुरू में, है ना, बाद में और ज्यादा हीट करते हो तो वो कंटेनर के साथ लग जाते हैं. आप उसको ठंडा कर दीजिए, एक दिन दूध को बॉइल करके बाहर रखो, उसकी मलाई नोटिस करना कितनी आती है. दूसरे दिन उसी दूध को बॉइल करने के बाद ठंडा किया और रात को फ्रिज में रख दिया, तो मलाई की इतनी मोटी परत निकलती है, क्योंकि कूलिंग से क्या हुई, कोगुलेशन, सारी की सारी फैट एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई. तो दीज आर वेरियस मेथड्स अदर देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन हैव दीज मेथड्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, राइट. सो तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कोगुलेशन की. अब हीटिंग से भी होता है, कूलिंग से भी होता है. ये हम दूध को बॉयल कर रहे हैं और देखो साइड साइड में जो उसका फैट का कंटेंट है वो अलग होता जा रहा है. और अगर कहीं हम इसका पनीर बना दें तो आपको पता है पनीर क्या है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीनिक पार्ट उसका अलग हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन. वेल, आफ्टर कूलिंग मिल्क में से जो फैट कंटेंट है मलाई की फॉर्म में अलग हो गया है, और बीच बीच में जो फैट के कंटेंट्स जो हैं वो दूध में तैर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो कोगुलेशन, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स. ठीक है, अब हम प्रोटेक्शन की बात करें. प्रोटेक्शन का मतलब किसी चीज को सेव करना, ठीक है ना. तो जितने भी हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, लाइक जितनी भी हमारे पास गोल्ड सोल है, लेट इट बी गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, अगर हम इनके अंदर स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, दे गेट प्रेसिपिटेटेड. आप पीछे करके आए, अभी कोगुलेशन ही तो हम पढ़ के आए. दे गेट प्रेसिपिटेटेड. मैक्सिमम लायोफोबिक सोल्स बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाती हैं एज कंपेयर टू लायोफिलिक, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स आर जनरली स्टेबल, दे डोंट रिक्वायर एनी स्टेबिलाईजर टू बी एडेड फॉर देयर स्टेबिलिटी. तो लायोफोबिक कोलाइड्स को मुझे स्टेबल बनाना है, वॉट शुड आई डू. हमने क्या किया, इस लायोफोबिक कोलाइड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दिया, राइट. इसको ऐड कर दिया, अब जो रिजल्टेंट आया दैट इज स्टेबल प्रोटेक्टेड कोलाइडल सोल. अब ये बन गई स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड कोलाइडल सोल. ये था हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड, लेट इट बी फेरिक हाइड्रोक्साइड, राइट. अब इसके अंदर हमने ऐड कर दी मान लीजिए जेलेटिन, लेट इट बी जेलेटिन. ठीक है, हमने कोई भी प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना है इसके अंदर. जेलेटिन आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड होता है, गम, जेलेटिन, सोप, डिटर्जेंट एटसेट्रा. हमने स्मॉल अमाउंट जेलेटिन ऐड कर दी, और कितनी सी डाली, मिलीग्राम्स, बहुत कम मिलीग्राम्स में ये इसमें ऐड कर दिया. तो क्या हुआ, ये रहा हमारे पास लायोफोबिक. ये है लायोफोबिक, लेट मी सी इज इट विजिबल, यस आई हैव रिटन लायोफोबिक. ये है लायोफोबिक कोलाइड, और कौन था ये, FeOH थ्राइस. अब इसके ऊपर
ये एक लेयर बन गई लायोफिलिक कोलाइड्स की, और मैंने ऐड किया था जेलेटिन, जेलेटिन राइट। तो दिस इज लायोफिलिक, उसकी एक लेयर बन गई। अब ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो गया, लायोफिलिक कोलाइड। अब इसको प्रोटेक्शन मिल गई कि जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट यहां पे आता ना क्योंकि इसके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहां KCl आया, Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा और इसके क्या बन गए, प्रेसिपिटेट्स। लेकिन जब हमने जेलेटिन ऐड कर दी, अब इसके बाहर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है, अब ये लायोफिलिक कोलाइड बन गया। इसके अंदर आप KCl ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन मिलीग्राम्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी प्रोटेक्टिंग कोलाइड राइट एडेड टू लायोफोबिक कोलाइड जस्ट टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर इसकी प्रेसिपिटेशन ना हो, तो हमने मिनिमम अमाउंट कितना यूज किया प्रोटेक्टिव कोलाइड का, दैट इज कॉल्ड, यस उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर। ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है ना, तो उसको हम गोल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं। अभी हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ये बन गया अब हमारे पास, ये जो हमने जेलेटिन डाला, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। जिस कोलाइड को हमने यूज किया इसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, एंड इट इज ऑलवेज डन ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल टू द प्रीवियसली प्रिपेयर्ड लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन। अब इसको भी स्टैंडर्ड, किसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा, किसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड नंबर। व्हाट इज गोल्ड नंबर, ओके। अब पहले एक चीज देखिए, ये मेरे पास गोल्ड की सोल, ये रही गोल्ड सोल, ठीक है। गोल्ड सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स पूरी सोल के अंदर डिस्पर्स्ड हैं, दे आर नॉट सेटल्ड, और इसका कलर क्या होता है, रेड। आपको याद है ना ब्रेडीगार्ट मेथड के अंदर हमने किया था, दिस इज गोल्ड सोल। अगर इस गोल्ड सोल के अंदर, इस गोल्ड सोल के अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालें, नमक का घोल बना लिया, एक पानी में नमक घोल लिया थोड़ा, अगर हम NaCl एक्वो सॉल्यूशन इसमें ऐड करें, देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड, प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। नॉर्मल प्रोसीजर, गोल्ड सोल रेड कलर की होती है, जब ये प्रेसिपिटेटेड होगी मींस इसकी कॉगुलेशन हो गई, इट विल टर्न ब्लू, हमें पता चल जाएगा इसकी कॉगुलेशन हो गई। अब दूसरा तरीका हमने क्या किया, गोल्ड सोल के अंदर हमने डाली प्रोटेक्टिव कोलाइड, हमने इसमें ऐड की प्रोटेक्टिव कोलाइड और फिर डाला NaCl, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। लेकिन अब इसके लिए जैसे हमने कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू को स्टैंडर्डाइज किया था ना, अब मुझे उस तरीके को लेके चलना। यहां मैं यूज किया जेलेटिन, मतलब जब सोडियम क्लोराइड डालने से पहले मैंने ऑलरेडी जेलेटिन ऐड कर दिया है, मैंने गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट कर दिया फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, अब उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, इट विल रिमेन स्टेबल। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना डालना है और कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड बेस्ट है, क्वाइट ऑब्वियस, जितनी कम क्वांटिटी में, द स्मॉलेस्ट अमाउंट, मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स, जितना कम क्वांटिटी आएगी जिसकी, उसकी जो भी प्रोटेक्टिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मुझे अब गोल्ड नंबर को वर्डिंग देनी है, तो आई विल राइट, इट इज द
मिनिमम अमाउंट एंड गोल नंबर इट हैज बीन गिवन बाय जिगमोंड, राइट? Zsig Zsigmond. It states that it is the minimum amount of protective colloid. It is the minimum amount of protective colloid in milligrams required just to prevent the coagulation of coagulation of 10 ml gold sole, 10 ml gold sole, given gold sole, when 1 ml of 10% NaCl solution is एडेड टू इट. अब हमने स्टैंडर्ड कर दिया कैसे, ये मेरे पास जो भी इक्विपमेंट है, ये एक स्मॉल बीकर है और इसके अंदर हमने ले ली 10 ml गोल्ड सोल विच इज हैविंग रेड कलर. देख के पता चल जाएगा गोल्ड की सोल है और इसमें ये गोल्ड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है, राइट? मुझे अब देखो दो सिचुएशंस हैं. मैंने इसमें डाला 1 ml, 1 ml डाला और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड किया, राइट? तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड सोल और कलर क्या हो जाएगा, ब्लू. जनरल ऐसा ही होगा. बट हमने क्या करा, वी एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलेटिन और एनी अदर प्रोटेक्टिव कोलाइड. हमने कोई भी इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला पहले, फिर हमने ऐड किया 1 ml ऑफ 10% NaCl. पहले डायरेक्ट डाला तो प्रेसिपिटेट्स आ गए, ये 10 ml ही लिया. अब मैंने 1 ml सेम चीज वही करी, बस ऐड क्या किया है यहां पे, ये स्टेप एक्स्ट्रा है. तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, द सोल विल रिमेन, सोल रिमेन्स रेड इन कलर, सोल रेड ही रहेगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड नंबर. अब ये जो अमाउंट है इट शुड बी मिनिमम, स्मॉलेस्ट मिनिमम इन मिलीग्राम्स. कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड हमने यूज किया दैट 10 ml गोल्ड सोल की प्रेसिपिटेशन ना हो, जब हम 1 ml 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं. तो हमने मिनिमम अमाउंट कितना लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. अगर आप इसकी वैल्यूज देखें, लेट अस सी द वैल्यूज. So, we are having gelatin. तो इधर हमने ले लिया protective colloid. Let it be gelatin. Gelatin है, then casein. Right? आपको पता है milk की emulsion जो है हमेशा stabilized रहती है, वो है ना, milk एक जैसा रहता है. That is due to the presence of stabilizer or emulsifying agent. Casein, okay? One more question. तो हमने ली जेलेटिन, then we have taken casein, then hemoglobin
HB, then albumin, और वो हमेशा क्या रहती है, एड एल्ब्यूमिन. इट इज ऑल्सो यूज एज प्रोटेक्टिव कोलाइट. देन गम अरेबिक, जो प्लांट्स में से निकलता है, सिंपल नेचुरल गम. स्टार्च एंड वन मोर डेक्सट्रिन. डेक्सट्रिन. नाउ लेट अस फाइंड देयर गोल्ड नंबर, क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यूज देखनी है ना. तो गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर मतलब कितने मिलीग्राम यूज हुई ये वैल्यू. गोल्ड नंबर का मतलब क्या है, क्वांटिटी इन मिलीग्राम्स. दिस इज प्रोटेक्टिव कोलाइड. मैं पूरा लिख देती हूँ, प्रोटेक्टिव कोलाइड. ओके, तो जेलेटिन का हमारे पास है 0.005 to 0.01 मिलीग्राम्स, मैंने कॉमन लिख दिया. केजिन, केजिन का गोल्ड नंबर इट इज 0.01 to 0.02. हेमोग्लोबिन, इसके वैल्यू है 0.03 से लेके 0.07. दिस इज टू. ओके, इसके बाद है एग एल्ब्यूमिन. इट विल बी हैविंग 0.1 to 0.2. गम अरेबिक, इट इज 0.15 to 0.25. देन देर इज स्टार्च. तो स्टार्च लगती है 20 to 25 मिलीग्राम्स. और डेक्सट्रिन, इट विल बी यूज्ड 6 to 20. तो मैं ऐसा करती हूँ, डेक्सट्रिन को पहले लिखती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं ना. तो पहले हम लिख लेते हैं डेक्सट्रिन. इट इज 6 to 20. देन स्टार्च, इट इज 20 to 25 वॉट मिलीग्राम्स. तो इस टेबल को आप लोग देखिए, प्रोटेक्शन देनी है. 10 ml गोल्ड सोल के अंदर मैं इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड डालू, दैट 1 ml NaCl सोल्यूशन जो इसकी कंसेंट्रेशन है 10%, उसको ऐड करने पर इसके प्रेसिपिटेट्स ना आए, जो कि जनरली आते हैं. जब आप गोल्ड सोल में 1 ml 10% सोल्यूशन ऐड करेंगे, गोल्ड सोल ब्लू कलर की हो जाएगी, मींस उसका प्रेसिपिटेशन हो गई. अब इसमें मेरे को बताइए, सबसे कम क्वांटिटी कौन सी है. क्वाइट ऑब्वियस, जेलेटिन. इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी आई, जेलेटिन की. और सबसे कम प्रोटेक्टिंग पावर किसकी है, स्टार्च की. तो स्मॉलर इज द वैल्यू, जितनी भी मिली, जो गोल्ड नंबर जिसका कम होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा आएगी. तो मींस स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, मोर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिंग पावर. मतलब जो हमारे पास प्रोटेक्टिंग पावर है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज गोल्ड नंबर. तो गोल्ड नंबर क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड किसमें ऐड करते हैं, एडेड टू 10 ml गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल जस्ट टू प्रिवेंट कोगुलेशन. व्हेन 1 ml, कब, व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट. क्वाइट सिंपल टू रिमेंबर. तो दिस वॉज गोल्ड नंबर. जितना गोल्ड नंबर कम, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा, राइट. तो हमने आज के लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करना था. तो इट वॉज ऑल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस. अभी हमने लायोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफोबिक का मोड ऑफ, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, हमने हर किसी चीज़ के बारे में बात की. आई होप अब ये जितने भी प्रोसीजर्स आपने आज पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट, रिगार्डिंग इमल्शंस एंड जेल्स.
तो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस. टिल देन स्टे होम स्टे सेफ.